हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है चल रहा है। हाई वोल्टेज आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि अक्षरा और सभी घर वाले यहाँ पर मस्ती करते नजर आते हैं और अक्षरा बस शांत रहती है और यहाँ पर कायरा को लगता है पता नहीं ये क्यों शांत है। और देखने को मिलता है कि आरोही को हल्दी लगाने के लिए दादी कहती है और हल्दी लगाते वक्त अक्षरा कहती है मेरा मन भी नहीं कर रहा है हल्दी लगाने का। तो वहीं पर देखने को मिलता है कि आरोही कहती है तो मत लगाना और वो सबके साथ डांस करना शुरू कर देती है। तो दूसरी तरफ यहाँ पर अभिमन्यु बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अपने कैबिन में बैठा होता है और उसके हाथ में अक्षरा का ब्रेसलेट होता है और सामने वो तस्वीर भी रखी होती है आग वाली। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हर्षवर्धन उसे आकर कहता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए, लेकिन वो कहता है कि जब माँ जाएगी तो मैं भी आ जाऊँगा। लेकिन कुछ देर बाद में यहाँ पर अभिमन्यु घर पहुँचता, यहाँ पर देखने को मिलता है अभिमन्यु के साथ में काफ़ी लोग हॉस्पिटल वाले डांस धमाल करते नजर आते हैं और वो वीडियो बनाकर खुद ही वहाँ पर देखने को मिलता है कि अक्षरा को भेज देता है। तो वहीं अक्षरा ये सोचती है ये हो क्या रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है सुनकर देखकर। कायरव भी बहुत ज़्यादा उसे पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो कुछ नहीं बताती कि सब कुछ ठीक है। तो वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर अभिमन्यु घर पहुँचता है और वहाँ पर भी सभी लोग यहाँ पर मंजरी के बारे में पूछता है लेकिन वो नहीं तैयार होता। तो दूसरी तरफ यहाँ पर आरोही का एग्ज़ाम है और वो जल्दी जल्दी यहाँ की पूजा खत्म करके अक्षरा को साथ लेकर पहुँचती है जिद करके कि वो अब पार्लर में ही तैयार होगी दुल्हन बनने के लिए। तो वहीं रास्ते में वो बताती है अक्षरा को मेरा एग्ज़ाम है और फ्लाइट यूँ गई और यूँ आ जाएगी, शाम को शादी, सब कुछ आज होगा, तो बीच में मत पड़। लेकिन अक्षरा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं होती है और बोर्डिंग के लिए चली जाती है एयरपोर्ट और उसे गाड़ी दे देती है। और देखने को मिलता है कि शेफाली ये सब कुछ देख लेती है, सोचती है कि ये एयरपोर्ट पर क्या कर रही है, आज तो शादी है। और वहीं पर अक्षरा के चारों तरफ कोई ना कोई इशारों में यही कह के जा रहा होता है कि तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए, प्यार के लिए सब कुछ करना चाहिए। और उसे सामने अभिमन्यु भी नजर आता है और वो भी यही कहता है कि तुम कह दो, अगर बहन की खुशी है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ तुम धोखा तो मत करो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। घर आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अभिमन्यु के सामने आ जाती है वो तस्वीर आग वाली, जिसके बाद में अब यहाँ पर वो आरोही भूलकर अब शादी के लिए तो अक्षरा को ही मनाने वाला है और पहुंच जाता है उसके घर और साफ साफ कह देता है कि या तो तुम शाम को मैं जहाँ बुला रहा हूँ वहाँ आओगी या और वो भागने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कह देता है कि साफ यहाँ से भाग निकलते हैं। और अक्षरा अगर तुम नहीं आई तो मैं क्या करूँगा ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। तो अभी मैंने उसके मनाने के लिए बहुत ही बड़ा फैसला लेते नजर आता है। तो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अक्षरा क्या फैसला लेती है और कैसे इन दोनों की शादी होती है। तो दूसरी तरफ आरोही की फ्लाइट नहीं लेट हो जाने की वजह से वो लेट ही पहुंचने वाली है और शादी अक्षरा और अभिमन्यु की हो जाएगी।